मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो बस ठीक होने जा रहा हूँ। मैं जल्दी ठीक होके वापस आ जाऊंगा, फिर होगा शिव का रिटर्न। शिव शक्ति थोड़ी देर के लिए फार हो सकते हैं, लेकिन अलग नहीं हो सकते ना। है ना बड़ी, फिर मैं तुम्हारा पापा बड़ी बन के नहीं, प्रॉपर पापा बन के आऊंगा। और फिर जब मैं वापस आऊंगा ना, मैं एकदम ठीक होके आऊंगा। फिर मुझे सबकी बातें समझ आएंगी, सब लोग मुझे भी समझेंगे। मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, कोई मुझे पागल नहीं बोलेगा। मैं जल्दी ठीक होके आऊंगा शक्ति, और जब आऊंगा ना, मैं हमेशा ऐसे हग्गी करके रखूंगा। कभी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम्हें हमेशा स्माइल कराऊंगा। अभी मेरे ब्रेन में एक्सीडेंट हो गया है ना, जब वो ठीक हो जाएगा मैं आ जाऊंगा वापस। डॉक्टर शिव नहीं, डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज रुक जाइए। परफेक्ट, जाओ शिव जाओ, बाय बाय। प्लीज बच जाइए, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज रुक जाइए डॉक्टर शिव। चिम चिम बेटा, नंदू रोको ना शक्ति को, देखो ना बिचारी को कैसी हालत हो गई है उसकी। डॉक्टर शिव प्लीज रुक जाए। पर उसे शिव को नहीं रोकना चाहिए, शिव के लिए यही बेहतर होगा कि वो चला जाए, सबके लिए यही बेहतर होगा, माँ के लिए, कार्तिक के लिए। प्लीज प्लीज जाके शक्ति को रोको, उसे समझाओ कि वो शिव को जाने दे। जी भैया के लिए यही यही सही है, प्लीज रुक जाओ, समझो बात को। नंदू भैया छोड़िए हमें, वो जा रहे हैं। और शिव शक्ति के प्यार का अध्याय यही खत्म, डी एंड। अब शिव वापस इस घर में कभी नहीं आएगा। सिर्फ माँ नहीं, झूठी माँ, ड्रामेबाज माँ। भरत मुझे पता ही नाटक कर रही है। ये देखो सारी गोलियां तो यहां पर है। हम नाटक कर रही थी। अरे ऐसा कैसे कर सकते, आप जान निकल गई थी हमारी। हे भगवान, माँ हो क्या गया आपको? पहले आप इस शादी के लिए मान जाने वाला नाटक किया, और अब ये कितना वाह कितना झूठ बोलेगी आप हमसे। खुश है ना आप लोग?
खुश है ना? यही चाहते थे ना आप लोग कि डॉक्टर शिव यहाँ से चले जाए, अपने घर से चले जाए, इसलिए किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने भी पागलखाने वालों को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। बहुत खुश होंगे ना, क्योंकि सब यही चाहते थे। लेकिन आज हम सबसे एक सवाल पूछते हैं, अपनी शक्ल आप लोग आईने में कैसे देखेंगे, रात को कैसे सोएंगे, बताइए। अपने आप को दादी कहने का, अपने आप को पिता कहने का, अपने आप को बहन कहने का हक खो दिया, क्योंकि सच बात यह है कि डॉक्टर शिव को जब इन रिश्तों की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, आप लोग सब ने अपना मुंह फेर लिया। डॉक्टर शिव को अपने ही घर से बाहर फेंक दिया। दादी, आप तो कहती थी कि डॉक्टर शिव आपके BFF है ना? A friend in need is a friend indeed. एक दोस्त को आपकी सबसे ज्यादा जब जरूरत थी, आपने क्या किया? आपने उस दोस्त से दोस्ती ही तोड़ी। पिता का फर्ज जानते हो? पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना, चाहे उसके लिए खुद को कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। लेकिन बच्चे पर आज तक नहीं आने देते। आपको एक माँ का फर्ज निभाना चाहिए था, एक बाप का फर्ज निभाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात, अपना ही माँ का फर्ज निभा पाए, ना एक पिता का फर्ज निभा पाए, और ना ही इंसान का फर्ज निभा पाए। आई एम सॉरी पापा जी, आप अपने सारे फर्ज निभाने में फेल हो गए। और दिया, खड़े खड़े तमाशा देखती रही, भूल गई, भूल गई डॉक्टर शिव ने हमेशा आपको कैसे बचाया। इसलिए क्योंकि वो आपको अपनी बहन मानते थे। डॉक्टर शिव को तो अपने भाई होने का फर्ज निभाने आता है, लेकिन आप अपनी बहन का फर्ज निभाने से चूक गई हैं।